ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को पवित्र कांवड़ यात्रा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान शंकर हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवलिंग ट्विस्ट पर। आज हम आपको लेके चल रहे हैं जयपुर के गलता पीठ से नर्मदेश्वर महादेव तक की पवित्र कांवड़ यात्रा की यात्रा पर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें। तो आइए चलते हैं पवित्र कांवड़ यात्रा पर। दोस्तों, इस प्रकार भोले बाबा के गुणगान करते हुए हम 50 लोगों का दल गलता पीठ की तरफ कांवड़ लेने के लिए चल पड़ा। रानी की जय, बोल भैरव बाबा की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल आके बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार भोले बाबा के गुणगान करते हुए हम रात को 12 बजे करीब गलता पीठ पहुंच गए। यहां पर कई समाजसेवी संगठन यात्रियों के चाय एवं नाश्ते की व्यवस्था में लगे हुए थे। उस समय पश्चात हम सभी लोग भी स्नान करने के लिए कुंड की तरफ चल पड़े। और अब बारी थी पवित्र सरोवर से अपने कांवड़ में जल भरकर लाने की। दोस्तों, हर वर्ष श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल अथवा पवित्र सरोवर से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। कहते हैं यह भक्तों को भगवान से जोड़ती है। महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में से एक उपाय कांवड़ यात्रा भी है, जिसे शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग माना गया है। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है
और समाज का हर वर्ग कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास, सबसे पहले कांवड़िए कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा लाकर अभिषेक किया था, तब से कांवड़ यात्रा चालू हुई। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान राम पहले कांवड़िए थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल छड़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ था। गणेश जी की और शिव जी की आरती करने के पश्चात हम सभी लोग हमारे गंतव्य स्थल नर्मदेश्वर महादेव की तरफ बढ़ चले।
और इस प्रकार दोस्तों भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके हमारी कांवड़ यात्रा सफल हुई। ओम नमः शिवाय। भोले की जय। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्रिस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्रिस्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।